मीठा तो बनता है, और मीठा हमें कौन सा खाना है जो शक्कर वाला ना हो और एकदम हेल्दी हो। तो आयरन रिलेटेड एंड हीमोग्लोबिन रिलेटेड, मतलब फैमिली और रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के हेल्थ रिलेटेड कोई चीज हम ऐसी बनाएंगे जो बहुत ही हेल्दी हो, बहुत ही यमी हो, इतनी टेस्टी हो कि बच्चे से लेके बूढ़े तक खाते ही रहे एंड इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थी। सो हेल्थ के लिए जो सारेमां सारी वस्तु छे ई बनावशुं आयन अने हिमोग्लोबिन ने रिलेटेड। आजे बनावशुं आपणे सलामी अने एना बनावशुं खजूर अने अंजीरना रोल्स अने खजूर अंजीर रोल्सनी बर्फी। तो ત્રણ વસ્તુ એક જ વસ્તુમાંથી બનશે અને અલગ અલગ રીતે આપણે એને સર્વ કરશું, પ્રેઝન્ટ કરશું કેવી રીતના। ચાલો મારા રસોડામાં આપણે જઈએ, નવા વર્ષની શરૂઆત એકદમ મીઠાથી કરીએ, પણ શક્કર વગર, સુગર વગર અને હેલ્થ રિલેટેડ બેસ્ટ। સબસ્ક્રાઇબ કરો મારી ચેનલ ને લાઈફ ઇન ઓસ્ટ્રેલિયા વિથ બીના મોદી અને સપોર્ટ કરો, આગળ વધવામાં આવી નવી નવી રેસિપીઝ બહુ આવશે। ચાલો મારા રસોડામાં બનાવીએ કઈક નવું। અભી બનાવેંગે પૂરે નટ્સ કી રોલ, મતલબ ખજૂર રોલ, અંજીર રોલ, और इसके अंदर शुगर फ्री है, शुगर बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। तो आप पहले क्या करेंगे, पूरे नट्स को हम लोग कर देंगे रोस्ट। के लिए जितने आपको नट्स चाहिए उतना आप ले सकते हो। उसको कर लूँगी थोड़ा गर्म और कर लूँगी थोड़ा कड़क, आ जाएगा थोड़ा फ्लेवर और उसमें होगा एकदम बहुत अच्छी सुगंध आएगी। देखा आपने, पूरा हीटेड होने से क्रिस्पी भी बन जाता। हम इसको ले लेंगे एक ट्रे के अंदर, ठंडे होने के बाद हम इसको कर देंगे पीसेस में चेंज, मतलब मैं डाल दूंगी ऑनियन चॉपर में, उसका कर दूंगी थोड़े थोड़े छोटे छोटे पीसेस। तो कर लिया है इस तरह से पीसेस में, मुझे थोड़े से मोटे मोटे पीसेस चाहिए जो मुंह में आए तो क्रंचीनेस फील हो, और रोस्ट करने से बहुत अच्छे क्रंचीनेस हो जाते। उसी के साथ हम ले लेंगे खजूर, जो खजूर की रेसिपी, उसके अंदर हमें मीठा बिल्कुल भी नहीं डालना है क्योंकि हमें बनाना है हेल्दी रोल्स। बच्चे लोग खाए, फैमिली खाए, कोई भी खाए, जो हमारे घर पे आए वो भी बहुत ही हेल्दी रहता है। तो आई एम गोइंग टू यूज डेट्स, क्योंकि खजूर ऐसे बच्चे नहीं खाएंगे, लेकिन हीमोग्लोबिन ब्लड के हिसाब से खजूर, आयन के हिसाब से खजूर बेस्ट रहता है। खजूर के साथ में मैं ले लूँगी अंजीर, मैं इसकी बना दूंगी पेस्ट। मैं थोड़ा सा ले लूँगी अंजीर, जिस हिसाब से आपको बनाना है उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो मैंने ले लिए खजूर की मात्रा थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर आयन भरपूर प्रमाण से रहता है, और अंजीर भी बहुत ही अच्छे। मैं इसकी बना दूंगी ग्राइंड करके पेस्ट। देखो हमारी पेस्ट बुलेट में बहुत ही अच्छी हो गई है, जैसा मिक्सिंग चाहिए ऐसा मिक्सिंग हमारा ये हो गया है। तो अंजीर और खजूर का मिक्सिंग बहुत ही हेल्दी हो गया है, रेडी। अभी हम डालेंगे पेन के अंदर 2 टेबल स्पून जितना घी। हम थोड़े बहुत ले लेंगे अंजीर के पीसेस भी, मुझे अंजीर के पीसेस बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। उसका जो नटी फ्लेवर रहता है सब चीज़ का बहुत ही अच्छा आता है, जो हम बोले नटखट फ्लेवर। तो आ खावामां बहु हेल्धी होय छे, आनी अंदर आयन एटलू बधुं भरपूर प्रमाणमां होय छे, आयन अने हिमोग्लोबिन। आ एक तमे पीस रोज खाई जाओ तो ए बेस्टमां बेस्ट हेल्धीमां हेल्धी थई जाय। तो आपणे लई लीधा छे एनी साथे अंजीरना पीसीस, आ बधी वस्तु साथे आपणे आनी अंदर शुगर नहीं पड़े, आमां नेचरल स्वीटनेस आवशे। तमने जेटला नट्स जोईता होय एटला तमे बधा लई शको। ओके, उसी के साथ हम डाल देंगे हमारे पूरे नट्स। तो नट्स भी हो गए और हम इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। तो हमारा सभी नट्स, नटी फ्लेवर, नटखट फ्लेवर हमारा सब इसके अंदर आ गया है खजूर और अंजीर के साथ में। और खजूर और अंजीर के साथ का हम लोग कर लेंगे मिक्स। उसको बनाएंगे हम 2-3 तरह से, अलग अलग रीत से कैसे बनाते हैं वो आगे आगे देखो। 2 मिनट उसको गर्म करने के बाद में हमारा मिक्सिंग एकदम से अच्छा हो गया है। उसको हम थोड़ा सा ठंडा करने देंगे, ठंडा करने के बाद में हम रोल कर सकते हो, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा, बहुत सरस लगे आ मिठाई, स्पेशली इवन द वाइट पीपल लाइक दिस स्वीट सो मच बिकॉज देर इज नो शुगर इन इट, सो एवरीवन लाइक्स। एंड दिस इज अ वेरी हेल्दी बिकॉज इट हैज गॉट नट्स एंड इट्स गिविंग यू फुल ऑफ आयन, उसका आयन भी रिप्लेस हो जाता है, आयन और हीमोग्लोबिन सब कुछ रिप्लेस में हो जाता है। तो ये मिक्सिंग हमारा बहुत ही अच्छा हुआ है। इसका हम लोग अलग अलग रीत से हम इसका बनाएंगे खजूर रोल,
खजूर लड्डू और काफी सारी चीजें बनेगी। तो आप देखो कितना हेल्दी एंड बेस्ट है इसका, आपने 2-3 पीस खाया तो पूरे दिन में बहुत ही ताकत रहती है। उसी के साथ हम लोग थोड़ा सा इसमें ट्रे के अंदर घी लगा देंगे। घी लगाड़ी ने आपने बनाओ सुहाना चोसला, तो आप मिक्सिंग बहुत सरस थी गयु। मारी पासे मेलन सीड्स पण छे, तो आपणे मेलन सीड्स पण नाखी सकाय। हम लोग के पास मेलन सीड्स है थोड़े बहुत, तो हम लोग मेलन सीड्स भी डालेंगे इसमें। तो मैंने मेलन सीड्स डाल दिए हैं और इसका हम लोग कर देंगे पूरा मिक्सिंग। तो देखो शुगर फ्री मिठाई हमारी कितनी अच्छी हो गई। तो अलग अलग रीत से हम इसकी हम लोग प्रेजेंटेशन देंगे, अलग अलग रीत से हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाते हैं आगे आगे देखते रहो। पहले हम बना देंगे इसके लड्डू। तो देखो इतना कितने अच्छे लड्डू दिख रहे हैं। अगर किसी ने खाने में भी, बच्चे लोग ने भी खाने में लिए, ये लड्डू बहुत ही हेल्दी रहते हैं और इसको आप प्रेजेंटेशन कर सकते हो कोई भी रीत से। तो मैंने ले लिया है, मेरे पास कलर्ड कोकोनट है, तो मैं कलर्ड कोकोनट से उसका बनाऊंगी लड्डू। आप कोई भी हिसाब से कर सकते हो, आप प्लेन कोकोनट भी ले सकते हो। तो कलर्ड कोकोनट के हम थोड़े बनाएंगे और थोड़े बनाएंगे प्लेन। ये किसी को भी देने के लिए या किसी के घर गिफ्टिंग के लिए बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो देखो हमने बना दिए कलर्ड कोकोनट के लड्डू। और कोकोनट है तो भाई हेल्दी भी है और हमें तो खाना है हेल्दी चीज। और दूसरे हम बना देंगे छोटे इतने डेजिकेटेड कोकोनट के अंदर। डेजिकेटेड कोकोनट हमारा बहुत ही प्यारा है, ये थोड़े बड़े बड़े, ये डेजिकेटेड कोकोनट में भी हम लड्डू बनाएंगे तो वो अच्छे बनते हैं। देखो तो डेजिनेट कोकोनट में हमें अपने बनावी नाखा छे टोपराना लाडवा अने अपना लाडवा बहुत सरस देखाय छे। नट्स नो फ्लेवर बहुत सरस आवशे कारण के नट्स अपने अंदर नाखा छे। तो अपना लाडवा तैयार छे, अपने आ बनावी नाखा छे डेजिकेटेड कोकोनट ना लाडवा। एनी साथे अपने थोड़ा बनावी नाखसु रोल, तो आमाथी ने अपने बनावशु अर्धानो रोल। रोल अपने बनावशु खसखस में, खसखस में पण बनावी सको अने डेजिकेटेड कोकोनट में पण बनावी सको। तो आपणे बन्नेमां थोड़ो थोड़ो लईने आपणे एनी अंदर करशुं मिक्स अने आपणे एने फेरवी नाखशुं। बहु ज सहेली रेसिपी छे, बहुत ही ईजी रेसिपी है, आप कोई भी फॉलो कर सकते हो, कोई भी बना सकते हो। बच्चे लोग ने बनाई तो भी बहुत ही अच्छे से होती है और सिंपल सी है, एकदम सिंपल सी। तो इसके अंदर क्या क्या जाएंगे, पूरे हेल्दी चीज जाएंगी हमारे में, पूरे नट्स जाएंगे, खजूर है, अंजीर है। तो बच्चे लोग खाए, बड़े लोग खाए, बुजुर्ग खाए, हम खुद खाए, हम खुद क्यों ना खाए, हमें कोई जरूरत है ज्यादा। क्योंकि लेडीज जो घर के काम करती है ना, उसको तो ये आयरन हीमोग्लोबिन विटामिन बहुत ही चाहिए। इसको हम कर देंगे फॉइल में और ये जाएगा रेफ्रिजरेटर में। ये हमारी रोल, इसको हम कर देंगे टाइट, इसको रखेंगे रेफ्रिजरेटर के अंदर 1 या 1.5 घंटे के लिए, ठंडा हो जाएगा तो उसका कटिंग में बहुत ही ईजी रहेगा। ये हो गया हमारा रोल। अभी हम इसको बनाएंगे, खजूर के लड्डू हम एक साइड पे निकाल देते हैं और इसको हम बनाएंगे स्क्वेयर्स में, जैसे हम बनाते हैं मिठाई। तो देखो भाई हमने तो 3 चीज से ये मिठाई बना ली हमारी, प्रेजेंटेशन देने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये नट्स को हम सब ऊपर फैला देंगे, ये अपने आप जम जाएगी। 1 घंटे के बाद हम लोग करेंगे इसके पीसेस। हेल्दी मिठाई हमारी फटाफट से रेडी हो गई और ये हमारी मिठाई देखो कितनी अच्छी तैयार हो गई है। तो इसको हम थोड़ा सेट कर लेंगे, हम इसको कर लेंगे थोड़ा सा प्रेस और उसको दे देंगे स्क्वायर डिजाइन में, उसका कटिंग कर लेंगे। नट्स को पूरा बिठा देंगे, बोलो बाहर की मिठाई और ये मिठाई में कोई फर्क नहीं है। और भारत देश में तो आपको मिल जाता है वरक भी, तो आप उसके ऊपर वरक भी डालो तो भी बहुत प्यारा लगता है। इसी के साथ हमारी ये नट्स वाली मिठाई भी एकदम अच्छे से तैयार हो गई। प्रेजेंटेशन में गिफ्टिंग के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी रहती है। हम इसको थोड़ा डेकोरेट करेंगे ये दोनों ही चीज से जो हमारे पास बची है, हम कोई भी चीज को वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो हम उसको कर देंगे डेकोरेट और हम उसको कर देंगे थोड़ा सेट। देखो भाई हमारी 3 मिठाई तो एकदम फटाफट से थोड़ी चीज में तैयार हो गई, प्रेजेंटेशन के लिए भी बहुत ही प्यारी लगती है। इसका प्रेजेंटेशन आप बॉक्स के अंदर भी कर सकते हो। देखो फटाफट से 5 मिनट की रेसिपी, हेल्दी रेसिपी, कभी भी पूरे साल में आप बना सकते हो, किसी को भी गिफ्टिंग के लिए भी दे सकते हो। इसके कटिंग होने के बाद में हम देखेंगे पीसेस कैसे होते हैं। तो हमारी मिठाई रेडी है, आप कब खाने आ रहे हो।
अभी आप हमें आपको एक लाइव वीडियो वो भी दिखा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में देखो कैसी हालत होती है। हम आपको एक लाइव वीडियो ये भी दिखा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की हालत कैसे होती है। हमारे वहां पे कोई रामू भाई, गंगू भाई या कोई नहीं आता, ये सब यूट्यूब रेसिपी के बाद के बर्तन जो रहते हैं हमें खुद हाथ से ही करने पड़ते हैं। तो हमने बनाई ये रेसिपी और ये हुआ है मैस, तो हम उसको करेंगे क्लीन। तो इसके बाद में वो भी एक मेहनत है। हमारी मिठाई देखो कितनी अच्छे से हो गई। ये मिठाई हमने बनाई अंजीर और खजूर की। अंजीर खजूर में इतना आयरन और हीमोग्लोबिन रहता है। तो हमें किसी को गिफ्टिंग देना है तो हम देखो ये पीसेस हमारे बहुत ही अच्छे हुए हैं। ये पीसेस आगे पीछे सभी हिसाब से ऐसे होते हैं जैसे हमने रेस्टोरेंट्स में से खरीदे हैं। तो ये आप जरूर जरूर बनाना। तो हम इसका प्रेजेंटेशन ऐसे भी कर सकते हैं, किसी को भी देने के लिए ये प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया लगता है। ऐसे ही लगे जैसे हमने रेडीमेड मिठाई खरीदी है। तो आप ऐसा बॉक्स पैकिंग भी कर सकते हो, ऐसे किसी भी रीत से आप उसको रख सकते हो। तो देखो हमारी मिठाई बहुत ही बढ़िया बनी है, आप जरूर ये बनाना क्योंकि ये हेल्थ के लिए रिलेटेड बहुत अच्छी है। इसमें शुगर फ्री है, हमने कुछ भी नहीं डाला। आपको डालना है तो आप हनी डाल सकते हो लेकिन जरूरत नहीं पड़ती। तो आप बनाना और सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को, क्योंकि हमने आपको दिखाया कि इसके बाद की मेहनत कितनी होती है। तो ये हमें आपको आपको इतना ही करना है कि सब्सक्राइब करना है। लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया विद बीना मोदी को सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, आप भी सीखे, दूसरे को भी सिखाए, तमें पर सीखो, बीजा ने पर सिखाड़ो। एंड दिस इज द बेस्ट मिठाई वी कैन से एनीबडी कैन ईट इन द हाउस, फैमिली रिलेटिव्स एंड गिफ्टिंग। एंड इट्स रियली गुड टू गिव गिफ्टिंग, गिफ्टिंग के लिए बहुत ही अच्छी है। ऐसे आप पूरा ही डाल दो तो आपका बॉक्स बहुत बढ़िया दिखेगा और आप प्रेजेंट के लिए गिफ्ट भी दे सकते हो जहां से आपको गिफ्ट पैक मिले। तो वापस मिलते हैं दूसरी ऐसी नई नई हेल्दी रेसिपी के साथ। हेल्दी रेसिपी शुगर फ्री, सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को, सपोर्ट करें उस हिसाब से। और मिलते हैं वापस, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।